बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉमनली और मोस्टली जो सवाल पूछा जाता है वो ये कि पाकिस्तान में कौन सा कारोबार शुरू किया जाए और कौन सा काम किया जाए। तो मेरा इसके बारे में ये ख्याल है कि काम जो आपके अंदर से आवाज आती है ना, काम वो होना चाहिए, काम वो होना चाहिए जिसमें आपका दिल लगता है, जो करने को आपका दिल करता है। काम अपनी मर्जी के मुताबिक करें, ना कि दोस्तों, रिश्तेदारों या किसी और के कहने पे काम शुरू कर दिया, फिर आपको नाकामी फेस करना पड़ेगी। तो बेहतर है जो आपका दिल चाहता है वो काम करें। सेकंडली पूछा ये जाता है कि फॉरेन में, यूरोप वगैरह में लोग क्या करते हैं। तो वो लोग असल में हमारी जितनी भी चीज़ें हैं उन्होंने अडॉप्ट की हुई हैं, वो काम करते हैं ईमानदारी से, ठीक है, दयानतदारी से। उनके जहन में कोई फतूर नहीं होता है, ठीक है, वो क्लियरली साफ सुथरा काम करते हैं। साफ सुथरा मीन्स कि बेईमानी कोई उनके जहन में नहीं होती, और कामयाबी की बेसिक बुनियाद है ही ईमानदारी। तो मैं मशवरा ये दूंगा कि कोई भी काम करें खलूस नीयत और ईमानदारी से करें, तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे आप। वो लोग भी अगर वो कॉलिंग कार्ड बेच रहे हैं, कुछ छोटे से छोटा बिजनेस कर रहे हैं, उनका गुजारा अच्छी तरह हो जाता है, और उसकी वजह यही है कि वो ईमानदारी से और अच्छी नीयत से काम करते हैं। तो इंशाल्लाह कोई भी काम जो है ना, वो ईमानदारी और अच्छी नीयत से किया जाए तो उसमें कामयाबी होती है।